हम पहुंचे हैं घटोत ग्राम पंचायत में, देखते हैं एक तरफ चुनावी चौपाल हो रही है और दूसरी तरफ एक दाढ़ी कटिंग की दुकान पे हम पहुंचे और यहाँ एक बुजुर्ग साहब से बात करते हैं कि इनका मूड क्या कहता है और इनकी दाढ़ी वाले बनने जा रही हो, इनका नाम भी पूछेंगे और जिस तरह से 7 तारीख को होने वाले मतदान में ये किसको अपना नेता चुनने जा रहे हैं। कई बार इन्होंने कई नेता बनाए होंगे अपने मत से, लेकिन उन नेताओं ने इनका काम किया कि नहीं किया, इनके मन की बात इनको जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाली 7 तारीख को आप कौन सा नेता नया चुन रहे हैं। कई नाम है आपको पास? शंकरलाल नाम है सर। शंकरलाल जी वापस चुनाव आ गया? हाँ। फिर नेता हाथ जोड़ रहे हैं सब जगह है सर? फिर नेता हाथ जोड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? मांग रहे हो तो किसको आप अपने नेता चुनेंगे? ऐसा है साहब कि पूरे गांव कास्तकारों को है और जो कास्तकारों को हित से उन्हें मैं वोट दूंगा। अच्छा, कास्तकारों को हित से सभी होते हैं, सभी कहते हैं हम कर्जा माफ कर रहे हैं, हम कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन में पूरा कर्जा माफ कर देंगे। एक एक अरज सुनो, कर्जा माफ करवा के भी अणी बीजेपी की राज ने कर्जो माफ करो केवा में तो वसुंधरा जी कह रही है 50,000 माफ कर, जबकि 4,000, 2,000, 400, 800 रुपया माफ हो जाए। अच्छा, तो अणी झूठे था तक मैं सहन करांगा। तो बदलोगा भी? अब बदलोगे? बिल्कुल निश्चित रूप से बदलेंगे। तो काम तो बहुत किए हैं सीएम साहब ने। अरे मुंह आपको एक करूं, हमारी उम्र 73 साल की है। बिल्कुल है, है ना साहब? एक तिहाई होगी आपकी। दूसरी निवेदन हमारी सुनो आप, कि अणे गांव में जब मैं बचपन में पढ़ता तो मंदिर पे कच्चा मंदिर पे पढ़ता था। और आज अणे गांव में 12वीं तक को स्कूल है, छपाखाना है, रोड है, बिजली है, इस जितनी भी देन है सब कांग्रेस राज में देन है। बीजेपी ने कहीं नहीं करी? बीजेपी में बेरू सिंह जी रहा, वसुंधरा जी दौर कार्यकाल में यहाँ रहेगी, एक बटो नहीं मिली उन्होंने सारो काम कांग्रेस। देखा आपने भाई, कहीं ना कहीं 73 साल की एज के बाद ये कह रहे हैं कि काम सारे कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी 5 साल राज करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हम और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर, अभी चुनाव है 7 तारीख को। हाँ। किसको अपना मत चुनना जा रहे हैं? जो हमें मन पसंद होगा उसको ही चुनेंगे, और क्या। कौन मन पसंद होगा नेता? तो चुनोगे ना? हम बीजेपी को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे बीजेपी को? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किया है। क्या किया है काम? नहीं, जगह जगह नल लगा दिए। हीरा लाल जी अभी वापस चुनाव आ गए विधानसभा के। किसको अपना नेता चुनने जा रहे हैं? मदन लाल जी। क्यों? बस काम ही वही कर रहे थे। काम ही वही करते हैं। देखा आपने, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया नगर आ रही है। एक और एक दाढ़ी की दुकान की जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ दाढ़ी कटिंग बन रही होगी और भैया से बात करते हैं। इनके काले बाल हो रहे हैं, अब काले बाल करा के कहाँ जाएंगे ये? आपका नाम क्या भैया? नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, चुनाव है, आपको पता है चुनाव है 7 तारीख को? हाँ, 7 तारीख। कौन सा अपना नेता चुनना जा रहे हैं? हमारा कालराम जी मेहर। कालराम जी मेघवाल को चुनना चाह रहे हैं? हाँ। भाजपा को चुनना चाह रहे हैं आप? हाँ। भाजपा में क्या है, क्या है? विकास किया क्या भाजपा ने? विकास है जब भी तो। क्या विकास किया बताओ? गाँव में नलवल की और बहुत सी सुविधाएं की है। और बहुत सी की है, तो कौन सा नेता होना चाहिए? कालराम जी, वो बीजेपी के। काले काले बाल मेरे, मैं क्या करूं? और कालूराम जी मेघवाल को ये चुनना चाहेंगे, क्योंकि बात जब चुनावी रंगत की आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर प्रत्याशी के साथ साथ कोई ना कोई जनाधार होता है, आम जनता का जनाधार होता है। और हम ऐसे ही कुछ और गांव में बात करने की कोशिश करेंगे। कई दुकानों पर जाकर हमने बात की है, दुकानदार से बात की है, जो दाढ़ी बना रहे भैया उनसे हम बात करते हैं कि आखिर 7 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो किसको अपना नेता चुनेंगे आप? हम तो बीजेपी को चुनेंगे सर। क्यों चुनेंगे बीजेपी को? बीजेपी वाला ने बहुत समर्थन किए, मोबाइल दिए। आगे मोबाइल जेब में? हाँ, मोबाइल आगे बमसे कार्ड द्वारा। अच्छा, और क्या क्या दिया? और एक ये इसमें बमसे द्वारा जो भी योजना है, वो सरकारी योजना चल रही है, वो 30,000 से वो जो भी बीमारी होती है उसका इलाज फ्री होता है। अच्छा, तो आप कलराम मेघवाल जी को चुने? हाँ। देखा आपने, घटोत गांव के लोगों का कहना है कि हम मदन लाल जी को चुनेंगे, कोई कह रहा कालूलाल जी को चुनेंगे, लेकिन चुन चुन के किनको वोट देते हैं ये भी देखना होगा। और 2,47,000 मतदाता इस विधानसभा के, वो किसकी तस्वीर चेंज करते हैं ये बदलने वाली बात होगी। हम एक और बुजुर्ग से बात करते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मदन लाल। चुनाव आ गए वापिस, पता है आपको, है ना? चुनाव है वापिस 7 तारीख को। हाँ। किसको अपना नेता चुनना जा रहे हैं आप? मदन लाल जी। मदन लाल जी को क्यों चुनेंगे? सही है आदमी, बैठ जाए जाकर जी, और कहीं काम तो करते ही करते हैं, काम भी करेंगे करेंगे उन्होंने अभी कभी 6 बार चुनाव लड़ रहे हैं, छठी बार वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
देखा आपने, कई कई लोगों ने कहा कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि घटोल ग्राम पंचायत का लोगों का मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस घटोल पंचायत के ग्रामीण 7 तारीख को किसको अपना नेता चुनेंगे, ये अभी वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी पीरूलाल प्रजापति कैमरामैन, मैं लोकेश मुखाना, खबर 24 के साथ, नमस्कार।